दोस्तों वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है कि पूरी लिस्ट आ चुकी है, तो आप लोग ड्रीम इलेवन की तरफ भागेंगे। बट आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आप लोगों को पैन कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पैन कार्ड आपका रिजेक्ट हो गया, पैन कार्ड गॉड रिजेक्टेड टैप टू ट्राई, आप लोगों को रिट्राई करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपली रिट्राई जैसे करते हैं इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, बट आप वेरिफिकेशन जो कि फेल्ड हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं आप गलती क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या नहीं चाहिए, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दे देना एंड चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना। चले गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने यहां पे आ जाएंगे ड्रीम इलेवन के अंदर। ड्रीम इलेवन के अंदर आने के बाद में आप सभी को पता टीम एम ए कैसे लगाना, भाई हम नहीं जानते बिल्कुल भी, हम आपको वेरीफाई करना बताएंगे डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई किया जाता है। आप लोग अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं माय बैलेंस में जाएंगे, भाई साहब हम ड्रीम इलेवन नहीं खेलते, हम आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना बता रहे हैं। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई टू विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने दो चीजें मेरी वेरीफाइड हो चुकी है, यहाँ की ग्रीन बन के आ चुका है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ पैन कार्ड जो मैंने डाला था रिजेक्ट चुका, सेम टू सेम आपके तरह जैसे आप लोगों का रिजेक्ट हुआ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरी गलती क्या थी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली जो गलती है, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो आप जिस नाम से अपना बना रहे हो ड्रीम इलेवन पर आईडी, जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आप लोग बता रहे हो, और जो आप लोग पैन कार्ड लगाते हो वो किसी और पर्सन का लगा देते हो, सेम अपना ही नहीं लगाते हो, तो आपका रिजेक्ट होना स्वाभाविक है। आप लोग अगर जिस बैंक अकाउंट को आप लोग फेच करवाना चाहते हैं उसी बैंक अकाउंट होल्डर का यहाँ पे पैन कार्ड होना अनिवार्य है, तभी जाके आप लोगों का यह वेरीफाई हो पाए। तो आप लोगों को पैन कार्ड डिटेल्स में सिंपली किस तरीके से भरना वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये सभी चीजें आप लोगों के सामने यहां पे डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है अभी, क्योंकि रिजेक्ट हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों को नेम लिखना है, जैसे कि मैं अपना नेम यहां पे लिख देता हूं जो कि पैन कार्ड में और आधार कार्ड में सेम टू सेम लिखा हुआ है। उसके बाद में पैन नंबर डाल देता हूं यहां पे, सिंपली मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से सेलेक्ट करना है, तभी जाके आपका यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर दिया, अब आप लोगों को यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना और डेट सेलेक्ट करना, यह आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। इतना करने के बाद में अब आपका जो रिजेक्ट होने का दूसरा कारण है वो क्या, आपने डिटेल भर दिया, आप कहेंगे मैंने बिल्कुल लीगल तरीके से डिटेल को भरा था, उसके बाद में मेरा रिजेक्ट हो गया। सिंपली अब आपका मेन पर्पज जो है रिजेक्ट होने का वो है अपलोड है पैन प्रूफ। जब आप अपलोड करने जाते हो यहां पे क्लिक करके यहां पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, या फिर अपलोड फ्रॉम गैलरी में आप लोगों ने फोटो कैप्चर कर रखा होगा उसको अपलोड करते हो, तो सिंपली आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग पैन कार्ड लेंगे। जैसे कि मेरे पास में ये कोई सा कार्ड है, मैं आप लोगों को इसको बता देता हूं किस तरीके से आप लोगों को करना है। यहां पे अपलोड फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, अपलोड फ्रॉम गैलरी में जाकर इसको अलाउ आप लोग कर देंगे। अलाउ करने के बाद में सिंपली आप लोग यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप लोगों एक फोटो कैप्चर कर लीजिए सबसे पहले तो अपने पैन कार्ड का, सिंपल तरीके से पैन कार्ड का फोटो किस तरह से कैप्चर करना वो आपको मैं कैमरे के अंदर जाके बता देता हूं। यहां पे सिंपल तरीके से ये मैं कैमरे में गया, अभी मेरा ये कार्ड है, तो सिंपली इस कार्ड को यहाँ पे आपको रोटेट करना, कैमरे को रोटेट करने के बाद में इतना आपको कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद में ये फोटो आप लोगों ने ले लिया, फोटो लेने के बाद में इसको बैक साइड से आप लोगों को कैप्चर करना, सही तरीके से कैप्चर करने के बाद में ये फोटो आप लोगों ने ले लिया। ये फोटो जैसे ले लिया आप लोगों ने, अब आपको रिटर्न से जाना है कहाँ पे, ड्रीम इलेवन के अंदर, अपने ड्रीम इलेवन में आप लोग जाएंगे, ये फोटो आ चुके हैं। अब आप लोग कैमरे के अंदर जाएंगे और इस फोटो को ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को क्रॉप करना है, यहाँ पे ये सही तरीके से क्रॉप दिया आप लोगों ने चारों तरफ से। और जहां तक ध्यान रहे आप लोगों को, ये जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो नंबर आपका लिखा रहता है इसमें, यहां पे मैं आप लोगों को एक वीजा कार्ड दिखा रहा हूं, बट यहां पे आप लोगों को जो नंबर लिखा रहता है वो पैन कार्ड का नंबर, वो सही तरीके से दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों का जो नेम है वो सही तरीके से यहां पे दिखाई देना चाहिए, तो आप लोगों का पैन कार्ड बिल्कुल इजी तरीके से यहां पे वेरीफाई हो जाएगा। या मैंने डन किया, यहां पे सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा, यहां पे अगर गलत आता आपको तो एडिट करके वापस भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा मैं यहां पे सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा, यहां पे मैं सबमिट कर दूंगा इसको, ये सबमिट हो जाएगा। अभी मैंने यहां पे पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये मेरा पैन कार्ड नंबर जो है ऑलरेडी वेरीफाइड है किसी और अकाउंट में। तो सिंपल तरीके से इस तरीके से आप लोगों को करना है। देन आप लोगों को बैंक अकाउंट में जो दिक्कत आती है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। बैंक अकाउंट में वेरीफाई पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहां पे आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना, अकाउंट नंबर सही तरीके से टाइप करना है,
और दूसरी बात, दोबारा से अकाउंट नंबर रिटाइप करना है, देन आप लोगों को आईएफएससी कोड डालना है सही तरीके से, जो आईएफएससी कोड रहता है यहाँ पे बैंक नेम लिखेंगे, ब्रांच नेम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, और सेम टू सेम सेकेंड रीजन है आप लोगों का बैंक अकाउंट रिजेक्ट होने का, जो कि बैंक अपलोड प्रूफ। सिंपली इसमें भी आप लोगों को अपना आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, तीनों चीजें साफ तरीके से दिखाई देने चाहिए पासबुक के अंदर, जो आप लोग फोटो डालेंगे उसके अंदर आप लोगों को साफ तरीके से दिखाई देनी चाहिए, तो आपका रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने आप लोगों को दूसरा अकाउंट बताऊंगा जिसके अंदर मेरा यहां पे वेरीफाई है सही तरीके से। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, मैंने आप लोगों को बताई इस वीडियो के अंदर, एंड आपको बता दें अगर इस तरीके से आप लोग वेरीफाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका 100% विद इन 2 आवर के अंदर अप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा, जबकि आप लोगों को 3 डेज बताया जाता है। सिंपली मैंने यहाँ पे करके भी दिया है और मेरे कई दूसरे चैनल्स पर वीडियो भी है जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, एंड इस चैनल पर आप लोगों के लिए पहला वीडियो यहाँ पे डाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, अगर अच्छा खासा प्यार मुझे दिखता है तो पूरे ड्रीम इलेवन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जहां पे आप लोगों को दिक्कत आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और पूरे वर्ल्ड कप में आप लोगों के साथ में चलने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मिलेंगे कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।